Redmi Note 11 Pro Plus 5G Snapdragon 695 का चिपसेट डला हुआ है इस डिवाइस में। ये देखिए iPhone जैसा लुक और पीछे MI वाला कैमरा, और ये है इसका BGMI टेस्ट। ये है ग्राफिक, स्मूथ में कितना चलता है ये, अल्ट्रा बस अल्ट्रा तक, एक्सट्रीम कहाँ गया, अपडेट के साथ शायद आ जाएगा। और ये बाजू में रहे इसके फीचर्स, ये देखिए लिक्विड कूलिंग, डबल स्पीकर, 108 मेगापिक्सल का कैमरा, और क्या है इसमें अमोल डिस्प्ले 120 हर्ट्ज का और 1200 निट्स की ब्राइटनेस, 67 वोल्ट का चार्जर, और यहाँ पे स्नैपड्रैगन 695 इसका, ये देखिए अंतुतु वगैरह स्कोर। BGMI टेस्ट आगे आपको गेम प्ले में बता दिया गया है, गेम प्ले को पूरा वॉच करें आपको समझ में जाएगा। ये बिना इंटरनेट कनेक्शन के खेलने आते हैं, इनको गोली पड़ती है कहाँ। ये देखिए तुम्हारे भाई ने गलत जगह नेट फेंक दिया, हमारे भाई फूट जाएंगे इससे। अरे हट जाओ वहाँ से फिलहाल। अरे ये हट गए और बंदा फूट गया, ऐसा ही थोड़ी ना लोग बोलते हैं गोट ऑफ ग्रेनेट स्क्वायर। वेलकम टू स्कैम 47, नाम में स्कैम बस इतने काफी है। अरे भाई इतनी खराब लैंडिंग मेरा अपनी जीवन में दूसरी या तीसरी बार कर रहा हूँ। अरे ये पैराशूट वाला ग्लिच, भगाओ इसको। अरे BGMI से भगाओ ये पैराशूट वाला गिलीच, उतरो कहीं, लैंडिंग और कहीं होती है। अरे सामने वाले बंदे के पास अगर गन मिल गई ना तो मेरी पेटी बना के नाचेगा वो। ये देखिए गन है नहीं यहाँ पे, तुम्हारा भाई भरता ये वाले रूम के अंदर, और हमारे भाई को किसी ने पीछे से पकड़ के नॉक कर दिया। अरे किसने किया नॉक तुमको, और जोश बोन बीटा पी के आया ये बंदा, भाई इतना जोश में है कह नहीं सकते, ये तो सीधे सीधे रस मारने आ गया। अरे मेरे हाथ पे शॉटगन है, बहुत खराब, खराब नहीं खतरनाक, जी हाँ खतरनाक शॉटगन, ये पेलूंगा पकड़ के इसको। ये देखिए एक एम क्या चला रहा है ये, ले बेटा। अरे पापा है तुम्हारे मेरे हाथ पे, ये देखिए, अरे शॉटगन पापा गन है ये। अरे जो पकड़ पकड़ करता है बीच में उसको पकड़ के पेल देती है ये गन। फिलहाल उठाता हूँ अपनी कोड ब्रेकर वाली AKM, लगाता हूँ रेड डॉट। ये देखिए कहाँ घुस रहा है ये, बदतमीज लोग हैं, लोग कहीं पे भी घुसने लगते हैं। और यहाँ पे एक और बंदा आया अंदर, सीधे में नॉक, और इसने सीधे बना दिया पेटी। तुम्हारे भाई के पास भी दो दिमाग है और दोनों दिमाग सर पे ही है, घुटने पे कोई दिमाग नहीं है मेरा यहाँ पे। ये देखिए लोग क्या कर रही है, इनको भी कोई पकड़ पकड़ के पेल रहा है यहाँ पे। अरे फिलहाल तो तुम्हारे भाई को रिकॉल होने की जरूरत है। अरे कहाँ जा रहा है बेटा, अरे पीछे से पड़ेगी। अरे ये देखिए, अरे बहुत खतरनाक है हमारे भाई लोग भी। ये देखिए क्या कर रहे हैं लोग यहाँ पे, ये देखिए क्या कर रहे हैं। अरे कौन मार रहा है इनको, अरे कहाँ से पड़ रही है ये, देखिए ये तो गोल गोल रानी ठंडा ठंडा पानी खेल रहा है यहाँ पे। अरे मारो सामने वाले बंदे को पकड़ पकड़ के। और ये देखिए किसने मारा इसको, ये आ गया सीधे पेलेगा नॉकआउट। अरे पेटी बनाएगा ये डायरेक्ट। और ये हमारे कौन से भाई है, ये चौथे नंबर वाले भाई, ये करेंगे हमको लेट के रिकॉल। अरे रिकॉल हो जा बाबा, रिकॉल हो जा, नहीं तो मेरा एक दिमाग घुटने पे आ सकता है यहाँ पे। ये देखिए रिकॉल हो चुका है तुम्हारा भाई, यहाँ से सीधे नीचे लैंडिंग होगी हमारी बहुत प्यार से। ये देखिए जा रहे हम लोग, कहाँ जा रहे हैं, और यहाँ पे देखिए ग्लीच, मैं अलग उतर रहा हूँ, मेरी हवर बोर्ड अलग उतर रही है। अरे कैसे कैसे ग्लीच है यहाँ पे, तुम्हारा भाई उतर गया सीधे छत के ऊपर, नीचे की ओर बंदे लड़ रहे हैं। ये देखिए तुम्हारे भाई ने सटीक वाला डैमेज दिया इसको, लेकिन ये नॉक हमारे भाई से हो गया। अरे बहुत खतरनाक होते हैं इन लोग, और ध्यान रहे ये पेटी के पास कोई नहीं जाएगा। अरे सबसे पहले पेटी खोल के जल्दी जल्दी गन उठा लेता हूँ। अरे ये लोग लुटेरे हैं, अरे इतने बड़े लुटेरे हैं कह नहीं सकते, रेड डॉट भी उठा लो वरना पेटी तो दिखेगी पर इसके अंदर सामान नहीं दिखेगा। सामने की ओर से आया एक बोट, डायरेक्ट डालता हूँ इसकी पेटी और निकालता हूँ रंगीन वाला हरा वाला धुआं। अरे ये हरा वाला धुआं दूसरा हरा वाला है, ऐसा धुआं आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। और सामने की ओर से बंदा आ रहा है, सीधे आ गए हम पूछें कि इतना सारा स्प्रे खाने के बाद ये बंदा नॉक नहीं हो रहा। अरे ये ऐसे बंदे होते हैं, ये बिना इंटरनेट कनेक्शन के खेलने आते हैं, इनको गोली पड़ती है कहाँ। ये देखिए तुम्हारे भाई ने गलत जगह नेट फेंक दिया, हमारे भाई फूट जाएंगे इससे। अरे हट जाओ वहाँ से फिलहाल। अरे ये हट गए और बंदा फूट गया, ऐसा ही थोड़ी ना लोग बोलते हैं गोड ऑफ ग्रेनेट स्क्वायर। जी हाँ ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, अरे दो गोड बन के एक ग्रेनेट गोड बना है यहाँ पे। हर कोई नोबड़ा आता है मुंह उठा के बोल देता है मैं ग्रेनेट गोड हूँ, इधर देखो तुम्हारा भाई जहाँ ग्रेनेट फेंकता है वहां से बंदा फोड़ देता है। मतलब अरे मैं गलत जगह भी फेंकूंगा बम तो बंदा खुद आके फूट जाता है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे जिंदगी पे। और ये देखिए तुम्हारा भाई ग्रेनेट से बच भी जाता है, सामने वाला बंदा फेंकता है ग्रेनेट। अरे मैं तो बहुत ही कम फूटता हूँ, कभी कभी ऐसा होता है जब ईयरफोन निकल जाता है तभी ऐसा होता है, वरना कभी होता नहीं ऐसा। ये देखिए हमारे भाई लोग ये तो नूबड़े हैं, इनसे बड़े नूबड़े आपको कहीं पे देखने को मिलेंगे ही नहीं। अरे वो बम है, वो पूछ के थोड़ी ना आएगा मैं आऊंगा यहाँ पे फूट जाऊंगा आपको नॉक कर दूंगा और सामने वाले टीममेट को रस करने में मजबूर कर दूंगा। तुम्हारा भाई दो लेवल तीन लेवल के बस्ते भर भर के सामान उठाता है, किसके लिए, अरे खुद के लिए मैं कभी नहीं उठाता, इन लोग के लिए उठाना पड़ता मेरे को। ये देखिए हर जगह आएंगे नॉक हो जाएंगे और कोई काम धंधा नहीं इनको। ये देखिए तुम्हारा भाई कितना जिगल जिगल करके पेल रहा है इन लोग को, और इन लोग नॉक हुए जा रहे हैं, इनके मुंह पे जाते हैं और नॉक होके जाते हैं वापस। एक और बात, ये Redmi Note 11 Pro Plus की भाई डिस्प्ले में बहुत मजा आ रहा है, सुपर एमोल डिस्प्ले 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। अरे भाई बहुत शानदार तरीके से मक्खन के माफिक चल रहा है। और ये देखिए पीली कलर की गाड़ी आ रही सामने से, और ये रिकॉल करके वापस गए थे लोग।
अरे बहुत खतरनाक बंदे होते हैं लो, और ये देखिए MG3 का पावर। अरे बेटा एक स्प्रे में दशक बंदे इकट्ठा आ जाते हैं, ये वाली गन बहुत खतरनाक गन है। और कितने बंदे इनके, ये देखिए एक बंदा अंदर की ओर भाग रहा था, डायरेक्ट पेटी। अरे एक तरफ से गोली डाला, दूसरी तरफ से दो पेटी के धुएं निकाला। यहाँ से 6X और रेड डॉट, जी हाँ रेड डॉट उठा के तुम्हारा भाई निकल पड़ता है सीधे रिकॉल टावर की तरफ। अरे भाई मेन जगह पे मत घूमो आजकल, अरे आप अपार्टमेंट मत जाओ, जॉर्ज पुल मत जाओ, मिल्टा मत जाओ, सेल्टर मत जाओ, मिलिट्री बेस मत जाओ, कहाँ जाओ आप, रिकॉल टावर, जी हाँ रिकॉल टावर जाओ। ये देखिए मकलेरन, जी हाँ मकलेरन बहुत खतरनाक नाम है ये मकलेरन। इससे घूम रहा है एक बंदा, सीधा डालता हूँ इसको नॉकआउट, नॉकआउट जी हाँ नॉकआउट ही हुआ है। एक और बंदा कहाँ है इसका, और ये अकेला रिकॉल करने आया, किसको रिकॉल करने आया था, बहुत खतरनाक बंदे होते हैं लोग। और यहाँ पे हमारे भाई शॉटगन से इसकी पेटी बना रहे हैं, ये मिशन पूरे करने आए हैं, जी हाँ इनको किसी से कोई मतलब नहीं है, ये मिशन पूरे कर रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे पेड़ के पास एक बंदा दिखता है मेरे को, ये देखिए क्या कर रहा है, ये सांप बन के लेटा हुआ है वहाँ पे। अरे जहरीला हो सकता है ये बहुत खतरनाक तरीके से। हमारे भाई लोग के अनुसार एक बंदा पीछे की ओर भी है। अब तुम्हारा भाई सोच रहा है कि पहले सामने वाले बंदे को मारा जाए या पीछे वाले बंदे को मारा जाए। तुम्हारे भाई ने डिसाइड कर लिया पहले पीछे वाले बंदे को पेटी में तब्दील किया जाएगा, सामने वाले बंदे पे ध्यान बाद में देगा तुम्हारा भाई। यहाँ आया मैं आगे की ओर, सीधे बना के ये वाले बंदे की पेटी, फिर जाऊँगा मैं दूसरे वाले बंदे की तरफ। अगर आजकल मन में किसी आटे बहुत जम जम के आती है, आप खेलो पबजी, जी हाँ पबजी और BGMI आप खेलो खतरनाक तरीके से, रिकॉल टावर पे उतरो और सब बंदों को पकड़ पकड़ के पेलो। अरे आजकल बंदे सिर्फ रिकॉल टावर में मिलते हैं और कहीं नहीं मिलते हैं। और यहाँ पे आगे की ओर बढ़ा मैं, सामने की तरफ से बंदा कर रहा है फायर, एक निकाला चिमनी चुमनी, फेंका मैं बंदे की तरफ और डायरेक्ट करता हूँ मैं इसको नॉकआउट और पेटी में तब्दील। अरे खतरनाक तरीके से तुम्हारा भाई सब काम इकट्ठा कर लेगा आज, इसकी पेटी लूट के फिर पहुँचता है तुम्हारा भाई रिकॉल टावर की तरफ। अरे भाई रिकॉल टावर की तरफ पहुँच के मौजूद रहो, अरे बहुत सारे बंदे कभी भी आ जाते हैं यहाँ पे। तुम्हारे भाई के हो चुके हैं 11 किल, 27 बंदे हैं अलाइव। देखता हूँ यहाँ से और कोई बंदे हैं क्या, फिलहाल यहाँ पे आगे की ओर एक बंदा लेटा हुआ है शायद, बिल्कुल कोई ना कोई वहाँ पे लेटा हुआ है। डायरेक्ट पकड़ता हूँ फत्ता गोभी वाला ग्रेनेड, फेंकता हूँ सीधे बंदे के मुँह पे। अरे ये तो डेफिनेटली क्या बोलते हैं उसको, फूट जाएगा ये देखिए। अरे तुम्हारे भाई ने पहले भी बताया और अभी भी बता रहा हूँ भाई, ग्रेनेड गोड स्क्वायर, अरे दो ग्रेनेड गोड मिल जाते हैं तब मेरे जैसा ग्रेनेड गोड बनता है। अरे क्या बोलूँ मैं, ये देखिए इस बार तुम्हारा भाई ट्राई करने के लिए फेंक रहा है ग्रेनेड। अरे भाई बहुत सटीक तरीके से, शानदार तरीके से तुम्हारा भाई फेंक रहा है यहाँ पे ग्रेनेड, कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं है। और ये देखिए, अरे ट्राई करने पे भी बंदे फूट जाते हैं। और ये देखिए अंदर की ओर से एक बंदा दे रहा है फायर, और तुम्हारे भाई के पास है MG3 और कितनी गोली बची मेरे पास, 20 गोली अभी भी बची हुई है। यहाँ से तुम्हारा भाई आखिरी वाले बंदे को पी लेगा, यहाँ पे 1v4 हो जाएगा। और ये देखिए गोली ख़त्म, और ये लोड कर रहा है बैठ के मेरा बंदा, और यहाँ पे हमारे भाई लोग मार देंगे, दिक्कत नहीं है यहाँ पे ज़िंदगी पे, इन लोग हिसाब से मार देंगे सामने वाले बंदे को। अरे इन लोग जब आखिरी बंदा बच जाता है तब इन लोग प्रो होते हैं, प्रो नहीं लीजेंड होते हैं, आखिरी वाला बंदा इनसे मरता ही नहीं है, मतलब बचता ही नहीं जिंदा। यहाँ से तुम्हारा भाई लूटता है एयर ड्रॉप को, और यहाँ पीछे की ओर से गोली चल रही है। अरे और एक बंदे को नॉक भी कर दिए इन लोगों ने, हमारे एक भाई को नॉक कर दिए यहाँ पे, तुम्हारा भाई फैला रहा है स्मोक। और ये देखिए हमारे दूसरे वाले भाई क्या कर रहे हैं यहाँ पे, कोई मतलब के नहीं है लोग। ये देखिए तुम्हारा भाई दे रहा है यहाँ प्यार से रिवाइव, किसी को खबर नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे रिवाइव चल रहा है, वरना यहाँ पे पीछे की ओर से थर्ड पार्टी, फोर पार्टी, सिक्स पार्टी और खाने वाली पार्टी बहुत सारी, यहाँ सब लोग आ जाते हैं यहाँ पे। जैसे अपन कहीं पे पार्टी आर्टी देते हैं किसी चीज़ की, बुलाते हैं 200 लोग को, आते हैं 250 लोग, वैसे यहाँ पे पार्टी हो जाती है। यहाँ से तुम्हारा भाई फूटी वाली गाड़ी उठा के भाग रहा है सीधे कवर की ओर, और यहाँ पीछे से सामने वाले बंदे फायर भी दे रहे, मतलब पीछे से पीछे ही वाले बंदे फायर देंगे, यार क्या क्या हो गया आजकल मेरे को। यहाँ से तुम्हारा भाई सीधे रोकता है यहाँ पे गाड़ी बड़े प्यार से, अरे ठोकना ठोकाना मत वरना गाड़ी से ही पेटी बन जाएगी तुम्हारे भाई लोग की। और यहाँ पे सामने की ओर बंदे हैं, ये लोग पता नहीं किसके तरफ फायर कर रहे हैं, लोग खेल रहे हैं वहाँ पे, लेकिन तुम्हारा भाई इनको खेलने नहीं देगा। सीधे पहुँचता हूँ ये घर की ओर, ये देखिए इनको जहाँ पे बंदे, क्या बंदे की जात मौजूद नहीं है वहाँ पे लोग पिक करके देख रहे हैं, सटीक नूबड़े होने की परफेक्ट निशानी है इन लोग। ये देखिए तुम्हारा भाई एक HP, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, एक बंदा बचा हुआ है इनका, और तुम्हारा भाई है 2 HP। और ये देखिए पीछे की ओर से किसी ने मारा गोली, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, तुम्हारा भाई की हील हो गई है कंप्लीट। जाता हूँ मैं बाहर की ओर, एक आध बंदा, ये देखिए ये कहाँ भाग रहा है ये, अरे स्प्रे दिया तुम्हारे भाई ने और ये सीधे पेटी। अरे भाई मजा जाता है यहाँ पे, एक तरफ से डालो गोली दूसरी तरफ से पेटी निकल रही, जी हाँ और कुछ नहीं हो रहा यहाँ पे। तुम्हारे भाई ने 1v4, जी हाँ पिछली बार MG3 से नहीं कर पाया था 1v4, लेकिन इस बार कर दिया तुम्हारे भाई ने 1v4, और यहाँ पे सांप बनने की कंडीशन आ चुकी है।
क्योंकि सामने वाले बंदे रिच पे हैं और हम लोग बिना रिच के घूम रहे हैं यहाँ पे। कवर ववर के नाम पे यहाँ पे घंटा कुछ नहीं है। देखिए तुम्हारा भाई घूम रहा है बड़े प्यार से, अब तो निकल गया मैं ओपन में। अरे जो होगी देखी जाएगी, अरे मरेंगे उससे ज्यादा क्या होगा। और यहाँ पे हमारे भाई को किसी ने बाजू से किया नॉक। यहाँ पे रिवाइव देने के लिए सोच रहा हूँ, मैं दे देता हूँ रिवाइव। क्या होगा यहाँ पे, बम बारूद बस ना फेंके वो, और ये चिमनी चुमनी फेंक दिया और यहाँ पे पेटी बनेगी हम लोग की, डायरेक्ट पेटी। जी हाँ, यहाँ पे तुम्हारा भाई जल रहा था, ज्यादा देर जला नहीं मैं यहाँ पे। यहाँ पे तुम्हारे भाई को कोई उम्मीद नहीं है कि मेरे को आके कोई रिवाइव पकड़ने भी वाला है। हमारे दो नंबर वाले भाई पता नहीं क्या कर रहे हैं, जादूगर के साथ वहाँ पे खेल रहे हैं वो, नॉक ऑक कर रहे हैं उन लोग को। यहाँ पे तुम्हारा भाई कर रहा है अपनी मौत का इंतजार। अरे कौन आएगा, कहाँ से आएगा, अब मेरे को मार के जाएगा। यहाँ फिलहाल ये बंदा सामने की ओर लेटा हुआ है, देखता हूँ मैं कितनी देर तक जिंदा रह पाता हूँ। ये देखिए ये आ गया है ये बाजू वाली घास पे, और यहाँ तुम्हारा भाई सटीक तरीके से यहाँ पे पीछे छुपने की कोशिश कर रहा था, पर ये वाले बंदे ने छुपने नहीं दिया, डायरेक्ट डाल दिया मेरी पेटी। और यहाँ पे हमारे दो नंबर वाले भाई दो किल करके खेल रहे हैं ये, क्या ये मेरा बदला ले पाएंगे। यहाँ पे सटीक जगह पे घास के पास चिमनी चुमनी फेंक दिए हैं और पीछे से जोन भी चालू है। जी हाँ, और ये देखिए बम कहाँ पे फेंक दिए इनने, और यहाँ पे सामने की ओर से बंदा निकलेगा जरूर, और ये निकला और ये सीधे नॉकआउट, नॉकआउट हुआ है वो, और डायरेक्ट पेटी इसकी। एक बंदा और बचा हुआ है यहाँ पे, और ये देखिए आखिरी आखिरी जोन, ये तो एकदम पिछवाड़े लगा हुआ है, सामने की ओर बंदा हो सकता है यहाँ पे, ये लेटा हुआ है। डायरेक्ट डालते हैं इसकी पेटी चिकन डिनर के साथ, और ये देखिए यहाँ पे पुतला बनाया जाएगा। जी हाँ, जो पुतला मैं हमेशा बनाता था ये बनाएंगे आज। आई होप गाइज आपको ये गेम प्ले पसंद आया होगा, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं किसी गलत सीन से भरे हुए गेम प्ले के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय फ्रेंड्स।